बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज ना वो हंसी होती है एक निम्मी निम्मी जी, थोड़ी शर्मिंदगी सी, थोड़ी मतलब दूरी सी, कुछ इस किस्म की ना वो चीज चल रही है। अच्छा खैर भाई, आज जो है ना इस घर में बनने जा रहा है मीठा मीठा। आपने खुश नहीं होना। मैं मोड़ी थोड़े को नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल टेंशन नहीं। हर दूसरे वैसे ही दुखी हूं, बतू अलग क्यों होती पई मैं हर दूसरे मिनट में सीरियस में मजाक तो हट के पया नहीं है ना भाई। मैनू नहीं अच्छा लगा बतू अलग होती पई है, लेकिन मन के करिए हां। मर्द हजरात भाई आके की ख्वाहिश है आप अलग अपना चूल्हा चलाएं, हम चेक करते हैं भाई हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते। ये वो टेस्ट करना चाहता है। हां जी हां जी, ये उस चक्कर में मुझे जली आके की खुशी के आगे भाई हम सब हार गए हैं। कोई नहीं है, चेक कर लेने अगर आप सही सेटअप हो थोड़ा हो गया तो ठीक है। अगर भाई मैंने क्या करना है, सुबह नाश्ता बनाना है, स्कूल चले जाना है, वापस आना है, दोपहर का खाना बनाना है, खाना है आपके पास आ जाना है, ट्यूशन के बच्चे बने आपके पास पढ़ाने हैं बैठ के। भाई सारा टाइम मैं इधर वधी रहूं तो मुड़ तो मेरे जाने का टाइम ही नहीं बनता। मतलब अगर मैं सारा टाइम इधर रहूं ना कि बच्चे भी यही पढ़ाऊं तो फिर तो वो शाम के 6 बज जाते हैं मुझे, 5:30 6 स्कूल से बज जाते हैं। अभी भी 6 बज रहे हैं, जैसे ही बच्चे गए तो हम लोग इधर आ गए तो 6 बज रहे हैं, तो इतने बजे अगर जाए तो भाई अंधेरा हो जाता है, फिर वही शाम की रूटीन शुरू हो जाएगी, तो मेरे तो जाने का टाइम ही नहीं बनता इस तरह। गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दी में ना सर्दी के हमारे यहाँ उसका गाड़ी तो हमें ही सर्दी है ना इतनी ज्यादा आती है सर्दी है। तो चलो लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट अंदर पड़ती है तो इतनी ज्यादा सर्दी फील नहीं होती। लेकिन चादर के नीचे यहाँ पर है जी कानून का खजाना खोलें भाई ये देखें। आज जो डेली यूज की चीजें होती है वही रखी थी मैंने। भाई अब चलते हैं किचन की तरफ। चलो जी ये मलाई के अंदर जाने दे। मलाई जाने दे? हाँ जाने दे। खीर बननी है तो खीर के अंदर तो खोया मलाई इस तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा डाल देंगे। मैं तो फिर बचा के कितना दूध है? होगा 1.5 किलो के करीब। अच्छा 1.5 किलो तो होगा ना। चलो उसके बाद जी हमारे पास एक है ये क्या है खीर, लजीजा खीर, लजीजा खीर का डब्बा। उसके बाद हमने थोड़े से चावल। जनाब ठीक हो? देखो दीदी ये देखो आया ये देखे भाई। वालेकुम अस्सलाम, मेरे को भाई हाजी साहब भी आ गए भाई। रोम के नाम के लागे नाम है ना दादी। ये देखो माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। ये देखो हाजी साहब ने मेरे से भी सलाम किया। वो कह रहे हैं कैंची और रिबन का है, कटिंग का है। वो भाई आपने लगाना था ना। हां जी, ये ओपनिंग सेरेमनी तो आपने करवानी थी। मामू पे चढ़ गए वो वापस जा रहे हैं। वो कह रहे हैं तो मेरे सर हो गए। हां जी हां। अच्छा चले सबका भाई बड़ी खुशी हो रही है भाई। सिदरा के घर में शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने सारी हो रही होंदी भाई ये वाला काम लगा। हां जी हां जी चलो भाई। हेलो पहले तीली टूट गई। हेलो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह पड़ी थी मैंने। चलो दोबारा गैस ऑन की है। ऑन ही खड़ी थी। ये हवा है अभी इसमें। एक तीली जली होगी। खत्म। फू। चलो भाई ये देखें भाई बादाम तो आपके है ना छिलके के अंदर है। हाँ, ये ईमान तो करके देखिए भाई आपने काम करना है। ईमान कर लेने के बात कह रही है ना बाल आज ये तो पूरे पैर के बच्चे हवा होंगी ये पहले इस तरह ऊपर थोड़ा जब खोलना पड़ेगा। देखे ना जो आप लेकर आएंगे भाई दिखाएं। दिखा ले कटिंग वहाँ पे करेंगे टेंशन ना। हाँ जी हाँ जी सारा मीठा मीठा हो गया। ये आपने कैसे अरेंज किया होगा इसे? बस आप खुद गई थी? वेलकम होम भाभी। जी वाह थैंक यू सो मच। मेरा फोन उठा के लाओ ना स्नैप बनाऊं यार लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर। खीर बनने के बाद टेबल सजेगा, खीर रखेंगे, केक की
कटिंग करेंगे और मुकम्मल इफ्तिताह होता है ना जैसे कोई बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल ऐसे ही होगा। अपने घर में खाने का भी बोला है यार, तो फिर हमें तो बताते कि खाने का भी मैंने बोला है। चलो कोई नहीं, आज कल अगर अब खाना बनाना, चलो ये देखो चूल्हा हमने पर माशाल्लाह चूल्हा जो हमारा जल चुका है, खाना हमने अंदर उबाल आना चाहिए, हाँ जो है उसके बाद हम खीर बनानी है, उसके बाद हम आपको मिलेंगे, आपको अपनी सारी रूटीन जो शेयर करेंगे, लाजमी लाजमी शेयर करूंगी। अच्छा भाई इसके अंदर अब तक सिर्फ हमें चावल डाले हैं, हाँ जी जी, और उनको हम पहले जो है ना वो उबाल आने लेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, जो होता है ना खीर वाला ये डब्बा, ये तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, ये तो ऐसे 5 मिनट में रेडी होने वाली चीज़ है, लेकिन चावल जो है ना उनको जरूरत होती है थोड़े से उबलने की। चीनी भी डालने अभी इनके लिए ना बॉक्स वगैरह लेने पड़ेंगे, कल परसों तक बाजार चल रहा है, आपके आपसे बोल रही हूँ मुझे पैसे दे, बल्कि आज ट्यूशन वाले पैसे नहीं आए, हाँ। तो बॉक्स वगैरह लेके सब्जी वाली टोकरी नहीं है, है वो अलमारी में पड़ी है सामने वाली है, नहीं वो नहीं है अभी, अभी सिंपल वो दूसरी वाली टोकरी से ग्रीन पड़ी हुई है वही ले आए, अभी इसी तरह डाल लेते हैं जब तक चम्मच वगैरह ये इस तरह कोई साफ नहीं ना निकालते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट होंगी, इतनी काफी है ना फिलहाल, क्योंकि इसके अंदर भी चीनी होती है, इसमें होता है जब सिर्फ ये डब्बा बनाते हैं ना उसमें चीनी डालते हैं ना, फसल हुई खड़ी क्यों बोला नहीं जा रहा, सच्ची मेरी आवाज है ना वो हड़बड़ाहट सी महसूस हो रही है, अजीब सा हो रहा है, पहला दिन है इसी तरह, दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन जब गुजरेगा माशाल्लाह अल्लाह करे। अच्छा अभी वैसे केचप का बॉक्स देखती ना, केचप वाला डब्बा, वो केचप वाला पड़ा हुआ है ना मेरे पास, बॉटल पड़ी हुई है केचप वाली, उसमें डाल के रखूंगी, लेकिन केचप का पैकेट खुद भी सही होता है ना, वो भी ये हां ये ढक्कन है जैसे ये रेस्टोरेंट में पड़े होते, मैंने तो इसको ऑयल वाला लाहौर में बनाया हुआ था, अच्छा ऑयल डाल दी इसमें, आपको कहता था घी नहीं खाना ऑयल, जब जब घी की कीमत कम और ऑयल की ज्यादा हुई है ना, आप कहता है घी खाओ घी मैंने कहा था, मैंने कहा तुम तो कहते हो कि ऑयल यूज करना है घी करना ही नहीं है, तो फिर कहता हाँ तुम तो इतना इस्तेमाल करना, पता नहीं कौन सा वो कह रहा था मुझे, वो वाला ऑयल यार वो कौन सा होता है मामी, जैतून का, जैतून का, हाँ तुम तो जैतून खाना था, चलो वापस आ वन घी थे बस नहीं, लेकिन ऑयल यूज करना चाहिए ना, दिल की जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता मेरी खीर हो चुकी है जी, डन अभी मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी ना जब शीशे वाले बाउल में, फिर अच्छी लगेगी, अभी फिलहाल मैंने इसको निक्का सा देख दिया, अंदर अच्छी नहीं लगी यार समझा करेंगे, चलो जी ऑर्डर वाला कहाँ रहेगी, आता ही होगा मामू फोन लेके चले गए हैं, हाँ जी अच्छा भाई हमारा ऑर्डर आ चुका है यहाँ पे, और अब भाई प्लेट्स वगैरह लेकर आते हैं, और हमारी खीर भी जो है वो भी ठंडी हो चुकी होगी, तो मेहमान भी इधर तशरीफ ले आएंगे, देखो नमाज वगैरह पढ़ के भाज सोता जी खुश बैठे ऐसे जोड़े हो रहे हैं खुश बैठे, मैं खुद से घर बैठा माशाल्लाह कैसा कलर कैसा, हाँ जी माशाल्लाह ये देखिए ये बहुत तो दिखाया, फिर कलर की तरफ हम तो चले गए हैं, वो उन्हें पसंद आया ऐसे देख के ना अच्छा लगा, चलो भाई खीर उठा के ले आएंगे, इसको भी खोल लेना।
अच्छा भाई हमारा डाइनिंग टेबल जो है ना वो सज चुका है। यहाँ पर देखें भाई आप ही मेरे लिए भाई केक लेकर आई हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम होम भाभी, यानी कि हाशिर की मामा लेकर आए हैं। ठीक है, तो भाई इस केक की कटिंग करनी है। इसके अलावा वहाँ पर पिज्जा और हॉट विंग्स वगैरह मंगवाए हुए हैं। यहाँ पर ये भाई मैंने खीर तैयार की है, ये अपने हाथों से की देन है, किसी को कम देता है किसी को ज्यादा देता है, फिर भी शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिले उसके अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए। वो बेहतर राज़िक है, वो बेहतर जानता है किसको क्या देना कब देना कितना देना। लो जी भाई केक काट हो गया, मुबारक हो भाई आपको अपना घर। चलो भाई चलो भाई घर घर की आबादी मुबारक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो भाई इस तरह हम जो ये सब खाना वगैरह लगा है हमने सबको खाना पीना मौज मस्ती कर ली है। हाँ जी हाँ जी नहीं अब ये पहले खा सकते हैं मीठे में तो खीर भी है ना मीठे में। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप ये पहले खा लेंगे ना फिर उधर कम खाया जाएगा। अच्छा जी खाना वगैरह जो है वो हो चुका है और अब हम हो चुके हैं फ्री। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया पसंद क्यों आया, मैंने तो आपने गिफ्ट देना ये देखें और बैग ये देखें पूरा बैग बैग के अंदर ये देखें इतने ज्यादा कपड़े हैं ये देख चेक करें। हाँ जी ये एक शॉल है ये देखें एक ये एक सूट है। हाँ जी ये कल एक ये सूट है। हाँ जी हाँ जी ये रहा भाई आपका मैं ले लूंगा के अंदर भाई आपको गिफ्ट है। दिया क्या है यार ये कल हमने फुल ब्लॉग ये सब कुछ भाई इन पे वीडियो बन चुकी है ये देखें ये ड्रेस था मेरा और इसके अलावा एक शॉल ली थी मैंने हाँ जी, ये और बैग मैंने कहा था बैग मेरा बैग बैग भी मेरे घर आ गया बड़ा मतलब आया इस बैग का। हाँ जी तो चलो यही थी भाई हमारी आज की रूटीन आज की जो आपने देखा अपने सिद्धर अपनी भाई एलर्जी की अपने घर में खाना माना भाई साहब को एक छोटी सी पार्टी दी है। जब आपका बागन आएगा ना उसके बाद ना बड़ी सारी ये है कि घर में सारा खाना बनाएंगे घर में बनाएंगे बिल्कुल बस अचानक प्रोग्राम बने बस बाहर से मंगाना पड़ा लेकिन भाई हमने घर पे ही बनाना था प्लान कोई शाम का ही बना बस थोड़ा सा टाइम आई। हाँ जी यही थी हमारी प्लान सिर्फ मीठे का था। हाँ मीठे का ये तो थोड़ा इजाफी हो गया। चले खैर होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।